डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर में। आज का हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन, जिसको कि हम हिंदी में जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पहले भी जानते हैं। जल प्रदूषण की अगर हम बात करें तो देखिए, पानी जो पीने योग्य जो जल हो या पानी होता है, उसमें हानिकारक पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कुछ प्रोटोजोन्स, कुछ केमिकल्स, कुछ जो फैक्ट्रीज या कारखानों से निकलने वाले जो पदार्थ हैं, या घरेलू जो सीवेज होता है, या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जो उत्पन्न दूषित जल आदि के मिलने से जो है हमारा जो पीने योग्य जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। हानिकारक पदार्थों के मिलने से जो जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणधर्म प्रभावित होते हैं। जल की गुणवत्ता पर प्रदूषकों के हानिकारक दुष्प्रभावों के कारण जल प्रदूषित होकर घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि कार्यों एवं अन्य किसी भी सामान्य उपयोग के लिए योग्य नहीं रह जाता है, और इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। सबसे पहले हम अगर पृथ्वी पर जो जल के जो डिफरेंट जो सोर्सेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसका लगभग जो 3/4 भाग है वो जल से घिरा हुआ होता है, अर्थात लगभग 75% जो पृथ्वी का जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है, लेकिन इसका बहुत कम भाग उपयोग के लिए उपलब्ध हो पाता है। कुल जल का लगभग 97% जो भाग है वो हमारे सागरों एवं महासागरों में समाहित है, और यह बहुत ही ज़्यादा जो है सॉल्टी इन टेस्ट है, बहुत ज़्यादा खारा होता है, इसको हम पीने में यूज नहीं कर सकते हैं। साथ ही इसका जो है कृषि एवं औद्योगिक कार्यों के लिए भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। बाकी जो शेष 3% जो जल है वो मीठा जल है, लेकिन इस 3% जल का भी जो 75% भाग होता है वो पोलर आइस, ग्लेशियर्स एवं पृथ्वी के अंदर जो है गहराई में स्थित होता है, जिसका कि हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो पीने योग्य जो स्वच्छ जल है वो दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला जो है वो सरफेस वाटर है, और दूसरा जो सोर्स है वो ग्राउंड वाटर है। सबसे पहले हम सरफेस वाटर की अगर बात करें तो बारिश का जल एवं बर्फबारी या स्नोफॉल से जो जल प्राप्त होता है वो स्वच्छ जल के प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। बारिश एवं बर्फबारी से प्राप्त जल का जो 1/3 भाग है वो पेड़ पौधों के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दूसरा जो 1/3 भाग होता है वो पृथ्वी के अंदर जो है सीपेज के द्वारा रिस कर चला जाता है, और जो शेष 1/3 भाग है वो जो है धाराओं, झीलों एवं नदियों में समाहित हो जाता है, जिसको कि हम सरफेस वाटर के नाम से जानते हैं। दूसरा जो सोर्स है स्वच्छ जल का वो ग्राउंड वाटर है। बारिश का जल जो पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल के कारण धरती के अंदर जाकर जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनमें ये जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, भर जाता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। देखिए, ये इस स्लाइड में हमने दिखाया है कि जल के जो विभिन्न जो फैक्टर्स हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो किस प्रकार से हमारे वाटर को, जो पीने योग्य जो जल होता है उसको यह जो है प्रभावित करते हैं। देखिए, बहुत सारे यहाँ फैक्टर्स मैंने बताए हैं। देखिए, तेल है, घरेलू वाहित मल है, औद्योगिक अपशिष्ट हैं, कीटनाशक हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, जीवाणु, विषाणु, पिलवक, भारी धातुएं, खरपतवार नाशी है ना, टेम्परेचर है, और कुछ रेडियोधर्मी जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी हमारे जल को दूषित करते हैं, जिससे हमारा जो जल है वो पीने योग्य नहीं रह जाता है। आइए इन सब की हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि ये किस प्रकार के फैक्टर्स हैं। देखिए, जो घरेलू वाहित मल है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिससे हमारा जो पीने योग्य पानी है वो दूषित हो जाता है। देखिए, बढ़ती हुई अनियंत्रित जनसंख्या से विभिन्न नगरों एवं कस्बों में घरेलू कचरे के जो है ढेर लग जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड।
चाइना के बाद जो है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। लगभग हम लोग 135 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की, और इतनी बड़ी जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा जो है वो घरों से इनके बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, और जिसको हम सीवेज के रूप में जानते हैं। देखिए, इस सीवेज में जो मुख्यतः जो है वो सड़े गले पदार्थ, मलमूत्र, नहाने धोने के साबुनयुक्त जल, कूड़ा करकट आदि पदार्थ होते हैं, और ये सब मिलकर जो है सीवेज का निर्माण करते हैं। देखिए, वायुमंडल में कई प्रकार के रोगाणु जैसे जीवाणु, विषाणु आदि भी इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, जिनसे विभिन्न प्रकार की जो है असाध्य बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यह सब वायुमंडल जो है वो नालियों, नालों के माध्यम से तालाबों, झीलों और नदियों में मिल जाते हैं, और नदियाँ समुद्रों में मिल जाती हैं, और ये इन सब माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाते हैं, और हमारे जो विभिन्न जो ड्रिंकेबल जो वाटर के जो सोर्स हैं उनको ये पॉल्यूट कर देते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कैसे ये जो हमारा ये वाटर सोर्स है उसके किनारे ये जो झुग्गी झोंपड़ी बनी हुई हैं उनसे किस प्रकार से जो सीवेज या जो वायुमंडल है वो सीधे यहाँ पर देखिए नदियों में या जो जल स्रोत हैं वहाँ पर प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे ये पीने के योग्य नहीं रह जाता है। देखिए, ये एक जो है इसमें देखिए ये जो है नदी है, इसमें देखिए किस प्रकार से जो है ह्यूमन बींग्स के द्वारा इसको जो है पॉल्यूटेड किया गया है। यहाँ पॉलीथीन्स हैं, है ना, बहुत सारे सीवेज यहाँ पर आकर जो है मिल रहा है, और जो आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उनके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी सीधे नदियों में छोड़ दिए जाते हैं ना। ये सब जो है पोल्यूटेंट्स या वाटर पोल्यूशन का एक मुख्य कारण है। देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट की बात करें तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे हमारा जो है पीने योग्य जो जल है वो दूषित हो रहा है। हजारों औद्योगिक संस्थान जो हैं प्रतिदिन सैकड़ों टन विषैले पदार्थों को समीपस्थ नदियों एवं झीलों में प्रवाहित कर रहे हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए कानपुर जो है यूपी का एक बहुत बड़ा शहर है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी जो है इंडस्ट्रियल एरिया हैं, फैक्ट्रीज हैं, जिनसे बहुत सारा जो है प्रदूषित पदार्थ बाहर निकलता है, जो कि सीधे गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है। चीनी मिलों, शराब, कागज़, कृत्रिम रबड़ बनाने के जो कारखाने हैं उनसे जो है विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ जो है निकलते हैं, और सीधे इनको जो है नदियों में छोड़ दिया जाता है। देख रही है, आप फिगर में देख पा रहे हैं कि कैसे जो है ये सीधे जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो दूषित पदार्थ हैं वो सीधे आकर हमारे जल स्रोतों में मिल रहे हैं। हुगली नदी जो है कोलकाता नगर में है, और इस हुगली नदी में भी बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन जो है वो कोलकाता नगर में जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और जो सीवेज प्रॉब्लम सभी जगह है, उससे जो है पूरी हुगली नदी भी पॉल्यूटेड हो चुकी है। खनिज तेल की बात करें, देखिए ये भी एक जो है वाटर पॉल्यूशन का फैक्टर है। खनिज तेल मुख्य रूप से समुद्री एवं महासागरीय जल को दूषित कर रहा है, जिस कारण जलीय जंतुओं का जो जीवन है वो खतरे में आ जाता है। बड़े बड़े जलपोत जो शिप्स होते हैं के द्वारा काफ़ी मात्रा में खनिज तेल जो है जल की सतह पर छोड़ा जाता है। मालवाहक जलपोतों पर होने वाले लोडिंग एवं अनलोडिंग के द्वारा भी जो है जल प्रदूषित होता है। कई देशों की जो जल सेनाएं भी हैं वो आपस में एक दूसरे से युद्धाभ्यास करती हैं और विशाल जल राशि को प्रदूषित करती हैं। देखिए, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि कैसे ये जो है एक मालवाहक जो है शिप है, जिससे जो है पानी जो है उसमें जो है ऑयल को छोड़ा जा रहा है, जिससे ये इसकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो प्रभावित होती है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि कैसे जो जो जल सेना के ये युद्ध पोत हैं वो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और आसपास के जो जो जल राशि है उसको जो है पॉल्यूटेड कर रहे हैं। कीटनाशक, जैसा कि जानते हैं कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और बहुत ज़्यादा जो यहाँ की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, लेकिन जो किसान लोग हैं वो हानिकारक कीटों से अपनी फसलों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का या पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आजकल ज़्यादा पैदावार लेने के लिए किसान जो है वो अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का उपयोग करते हैं।
इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो हैं वो गैर अपघटनशील होते हैं, अर्थात इनका अपघटन नहीं हो पाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और काफ़ी समय तक मृदा एवं वातावरण में रहते हैं, परसिस्ट करते हैं, है ना। इनका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता है। सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल एवं वर्षा के जल के साथ ये पेस्टिसाइड जो है वो घुल जाते हैं और मृदा के नीचे स्थित जल एवं अन्य जल स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कुछ फार्मर्स हैं जो अपने जो इनके जो एग्रो इको सिस्टम्स हैं या क्रॉप लैंड्स हैं वहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। पेस्टिसाइड में भी ये ऑर्गेनोक्लोरीन और ऑर्गेनोफास्फेट ज़्यादातर यूज करते हैं और अपनी फसलों को जो है पेस्ट से बचाते हैं। तापमान की अगर हम बात करें तो देखिए कई कारखानों एवं औद्योगिक संस्थानों के द्वारा जो है कूलिंग या शीतलन की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न जो गर्म जल है वो सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ का जो वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए सूटेबल नहीं होता है और इसको हम ऊष्मीय प्रदूषण भी कहते हैं। रेडियोधर्मी अवशिष्ट पदार्थों की बात करें तो परमाणु ऊर्जा केंद्रों एवं नाभिकीय जो रिएक्टर्स या संयंत्र होते हैं वहाँ से निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो नज़दीकी जल स्रोतों में ही छोड़ दिए जाते हैं, जिससे वहाँ का जल जो है प्रदूषित हो जाता है और पीने योग्य नहीं रह जाता है। खरपतवार नाशक की बात करें तो देखिए खरपतवार नाशक जिसको हम वीडिसाइड्स भी कहते हैं, अब पहले से हम पहले बात करेंगे कि खरपतवार होते क्या हैं। ये खरपतवार जनरली अवांछित पौधे या शाक होते हैं जो हमारी मुख्य फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अर्थात इनको उगाया नहीं जाता है लेकिन ये अपने आप ही जो है जो हमारी मेन क्रॉप है उसके साथ उगाते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे हम पौधे या साग को हम खरपतवार के नाम से जानते हैं। इन खरपतवारों का अंत करने के लिए कुछ रसायन या कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, जैसे 2,4-D और नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, इनका मेनली या मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है और ये रासायनिक पदार्थ भी जो है हमारे जल स्रोतों को दूषित करते हैं, क्योंकि रासायनिक पदार्थ हैं ये सब जो है सिंचाई के दौरान जल के साथ या बारिश का पानी जो होता है उसके साथ घुलकर जो है हमारे आसपास जो जल स्रोत हैं वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जो उपस्थित जो एक्वेटिक लाइफ है एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको प्रभावित करते हैं और जो मनुष्य मांसाहारी होते हैं जब वो इन जलीय जीवों को जनरली जो मछलियों को खाते हैं तो ये पेस्टिसाइड्स या जो वीडिसाइड्स हैं उनके बॉडी में भी पहुँच जाते हैं। देखिए जल प्रदूषण के प्रभावों की या इफेक्ट्स की हम बात करें तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें मिनामाता रोग है। यह शॉर्ट नोट्स में भी कई बार क्वेश्चन आता है और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इससे काफ़ी अधिक बनते हैं। देखिए यह रोग जो है वो मरकरी की जो विषाक्तता के कारण होता है। मिनामाता रोग जो है वो सर्वप्रथम 1956 में जापान के एक शहर मिनामाता जो कि कुमाकोटो प्रीफेक्चर में स्थित है प्रकाश में आया था। इस रोग का जो मुख्य कारण है वो चिसो निगम द्वारा संचालित एक औद्योगिक कारखाने से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ था, जिसमें मिथाइल मरकरी की मात्रा अधिक थी, जो कि बिना उपचार किए सीधे आसपास के जलाशयों में छोड़ दिया जाता था। मिथाइल मरकरी जलीय जीवों में एकत्रित होने लगा या होने लगी और जलीय जीवों से विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से यह मनुष्यों तक पहुंच गई। इसके देखिए सामान्य लक्षणों में एटेक्सिया, हाथ और पैरों में संयम का ना होना, हाथ पैरों में जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाता है, सामान्य जो मांसपेशी जो है कमजोर हो जाती हैं, परिधीय दृष्टि को नुकसान हो जाता है, सुनने और बोलने में समस्या हो जाती है और गंभीर मामलों में पागलपन, पक्षाघात, कोमा और मृत्यु तक संभव है। आप इस फिगर में देख रहे हैं कि कैसे, देखिए यहाँ पर ये है पूरा जो इनका हाथ है वो डिस्टर्ब हो गया है, ये सब जो है मिनामाता रोग के ही लक्षण हैं। डायरिया, पीने योग्य जल में मरकरी, कैडमियम, कोबाल्ट आदि धातुओं की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो व्यक्ति जो है ऐसे अगर पानी को पीता है जिसमें ये सभी एलिमेंट्स मौजूद हैं तो जनरली व्यक्ति जो है वो डायरिया से प्रभावित हो जाता है। पलवकों एवं मछलियों की मृत्यु दर में वृद्धि, पलवक जनरली फाइटोप्लैंकटन होते हैं जो कि पानी की ऊपरी सरफेस पर पाए जाते हैं
ऊर्जा संयंत्रों के शीतन तंत्र में शैवालों एवं जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली क्लोरीन ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट के साथ नज़दीकी जलाशयों में जाकर अनेक जलीय जंतुओं की मौत का कारण बनती है। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि कैसे ये जो एक्वेटिक जो मछलियाँ हैं वो कैसे जो है पानी में प्रदूषण बढ़ने से इनकी जो है मौत हो गई है। ये चौथे अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखिए ये मैथमोग्लोबिनीमिया के नाम से इसको हम जानते हैं। देखिए कई प्रकार के जो उर्वरक या फर्टिलाइजर्स हम जो अपने खेतों में यूज करते हैं उनमें जनरली नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है जो कि पीने योग्य जल के साथ मिलकर हमारी आंत में आकर नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्राइट रक्त में अवशोषित होकर हीमोग्लोबिन से क्रिया कर मैथमोग्लोबिन बनाती है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है जिससे श्वसन एवं दम घुटने जैसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस केस में जो है हमारा जो बॉडी है पूरी नीली पड़ जाती है जिसे मैथमोग्लोबिनीमिया के नाम से जानते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इस लेडी को जो है मैथमोग्लोबिनीमिया नामक बीमारी है और देख रहे हैं कि इसकी आप टंग देख रहे हैं या जो आप अगर इसका हम स्किन को देखें तो वो ब्लूइश सी होती जा रही है। इस प्रॉब्लम को हम साइनोसिस या नील विकार के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजन स्तर का कम होना, देखिए जब वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है तो उस वाटर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी बहुत कम हो जाता है। स्वच्छ जल में जब बाहित मल मिल जाता है तो जल में पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे पादप पिलवक एवं शैवालों की जो है वृद्धि अत्यधिक हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम सुपोषण के नाम से भी जानते हैं। इस सुपोषण के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो हमारे YouTube चैनल में पड़ा हुआ है। आप इस सुपोषण के बारे में उस वीडियो के माध्यम से और अधिक समझ सकते हैं। ये अपने शोषण के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जब शैवालों और जो फाइटोप्लैंकटन होती है जब उनकी वृद्धि अत्यधिक हो जाती है तो वो अपने रेस्पिरेशन के लिए जो जल में घुलित जो ऑक्सीजन है उसी का उपयोग करते हैं जिस कारण जल में ऑक्सीजन का स्तर जो है लगातार कम होता चला जाता है और जिसके फलस्वरूप शैवालों एवं अन्य जीवों की मृत्यु होने लगती है। मृत शैवालों को अपघटित करने के लिए और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो डेड एल्गी या जो फाइटोप्लैंकटन्स होते हैं या जूप्लैंकटन्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है जो कि जल में उपलब्ध ऑक्सीजन से ही प्राप्त होती है। इस पूरे प्रक्रम में बीओडी जिसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं वो बढ़ता जाता है एवं डीओ जिसको हम डिजॉल्व ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं का स्तर जो है वो पानी में कम होता चला जाता है। देखिए इस पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे। जल जो है जितना अधिक प्रदूषित होगा उसकी बीओडी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी एवं उसका जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता जाता है। अगर हम बीओडी की बात करें तो बीओडी को जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जाना जाता है और बीओडी की अगर परिभाषा की हम बात करें तो बीओडी का मतलब होता है कि एक लीटर बाहित जल में उपस्थित जो ऑर्गेनिक जो सीवेज है या ऑर्गेनिक जो पदार्थ हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीवियों को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। देखिए इस फिगर में यहाँ पर मैंने एक लेक में या जो जल स्रोत है वहाँ पर यूट्रोफिकेशन को दिखाया है कि किस प्रकार से जो है एल्गल जो या एल्गी या जो फाइटोप्लैंकटन है उनकी जो है वृद्धि यहाँ पर काफ़ी अधिक हो गई है और इसने पूरे वाटर सरफेस को कवर कर लिया है। इसको हम एल्गल ब्लूम के नाम से भी जानते हैं। भारी धातुएं कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जो कि हमारे वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। औद्योगिक कारखानों से जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज होती हैं उनसे निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसमें भारी धातुएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जैसे आर्सेनिक है, लेड है, कैडमियम है, निकिल, क्रोमियम, मरकरी, कोबाल्ट, जिंक आदि ये भारी धातुएं होती हैं जो हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित करने के साथ ही जलीय जीवों को भी नुकसान पहुँचाती हैं। अगले पॉइंट में हम बात करें तो देखिए प्रकाश संश्लेषण एवं उत्पादकता में कमी। मालवाहक जलपोतों से निकलने वाला जो खनिज तेल है वो जल की ऊपरी सतह पर फैल जाता है जिससे पादप पिलपकों को या फाइटोप्लैंकटन को सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त हो पाता है।
अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी और पादप पलकों की उत्पादकता कम कर देती है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो यहाँ पर देखिए पादप पिलवक उसको कम कर पाएंगे, क्योंकि अब उनको जो है सूर्य का प्रकाश जो है प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और तो इस कंडीशन में जो है जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनकी जो भोजन बनाने की कैपेसिटी है या उनकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कम होती चली जाती है। जल प्रदूषण रोकने के उपायों की बात करें तो देखिए इसमें बाहिक मल को या जो सीवेज जिसको हम कहते हैं उसको सीधे नदी तालाबों आदि जल स्रोतों में जाने से रोकना चाहिए और इसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इसके वाटर ट्रीटमेंट के बारे में हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। देखिए कीटनाशकों एवं जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए और इनके विकल्प के रूप में जैव उर्वरक जिनको हम बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं जैसे एजोला, नीले हरे शैवाल आदि का उपयोग करना चाहिए। एकीकृत कीट प्रबंधन इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट को उपयोग में लाना चाहिए। इंसेक्ट को कंट्रोल जो इंसेक्ट पेस्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए हमें जो है पूरी तरीके से जो है केमिकल पेस्टिसाइड पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हम जो है उसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड को और जो इकोलॉजिकल कंट्रोल या जेनेटिकल कंट्रोल मेथड्स को भी हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूषित जल को उसकी उत्पत्ति स्थान पर ही उपचारित करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। सिंपली जो फैक्ट्री से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनको डायरेक्ट जो है हमारे जो जल स्रोत हैं उनमें नहीं छोड़ना चाहिए। दूषित जल को या जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको पहले उपचारित कर लेना ज़रूरी होगा। मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए हम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधे लगाने चाहिए। जनरली मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे जो है रासायनिक जो खाद वगैरह होती हैं फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका उपयोग करते हैं जो कि हमारी मृदा को पॉइजनस या जहरीला बना देती हैं। जो वर्षा का जो जल है उसको संरक्षित करना चाहिए, इसको सीधे जलाशयों में नहीं भेजना चाहिए क्योंकि यह अपने साथ बाहिक मल गंदगी आदि को बहाकर जल स्रोतों तक पहुंचा देता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पीने का जो जल है उसमें उन्होंने कहा है कि निम्न क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे जो वाटर है वो रंगहीन गंधहीन स्वादहीन होना चाहिए। इसका जो पीएच वैल्यू है वाटर की वो अबाउट 6.9 होनी चाहिए जो स्लाइटली जो है एसिडिक है। कुल जो ठोस जो घुले हुए ठोस पदार्थों की मात्रा है वो 1500 मिलीग्राम से पर लीटर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लोराइड की मात्रा जो है वो 252-600 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। सल्फेट की मात्रा जो है वो देखिए 400-1000 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। नाइट्रेट की मात्रा है जो वो 45 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। साइनाइड की मात्रा बहुत ही कम 0.01 से 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। फ्लोराइड की जो मात्रा है वो 1.5 से 3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। क्रोमियम की जो मात्रा है वो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। ये लेड की जो मात्रा है वो 0.05 से 0.1 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए और आर्सेनिक की जो मात्रा है वो 0.05 मिलीग्राम से 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। तो देखिए ये कुछ एक जनरल टॉपिक था वाटर पोल्यूशन। तो सरकार तो इसमें अपना पूरा सहयोग दे रही है। सरकार के द्वारा एक गंगा एक्शन प्लान भी लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा गंगा को जो है जगह जगह पर जो है साफ किया जा रहा है। लेकिन ये एक हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास के जो वाटर सोर्सेस हैं उनको हम स्वच्छ रखें। हम जो है अपने जो अपशिष्ट पदार्थ हैं घरों से निकलने वाले उनको जो है सीधे अपने जो पास के जो जल स्रोत हैं या वाटर सोर्सेस हैं उनमें ना भेजें। जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है पिकनिक या कहीं घूमने जब जाते हैं तो स्वच्छ स्थानों की खोज करते हैं और स्वच्छ स्थान जब मिल जाता है तो हम वहाँ पर उसको गंदा करके छोड़ देते हैं। हम अपने जो है प्लास्टिक्स वगैरह को वहीं छोड़ देते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो नॉन यूजेबल जो चीज़ें होती हैं जो प्रयोग में आने के बाद जो अनप्रयुक्त हो जाती हैं उनको हम
ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, जो कि धीरे धीरे फिर वो जलाशयों में चली जाती हैं। तो ये एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक हम इस मुहिम में शामिल नहीं होंगे खुद, तो जब तक वाटर पॉल्यूशन को रोकना जो है एक असंभव प्रक्रिया है। सरकार के साथ साथ ये हमारे लिए भी एक चुनौती है, हमारे लिए भी एक जागरूकता है कि कैसे हम अपने आसपास के जो है वाटर रिसोर्सेज को साफ रख सकें। यही एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सही परिकल्पना होगी कि किस प्रकार से हम जो है अपने आने वाली पीढ़ियों को जो है वाटर जो एक स्वच्छ पानी जो पीने योग्य पानी दे पाएंगे। तो निश्चित ही आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में अपने जो वाटर रिसोर्सेस हैं उनको कंजर्व रखेंगे, उनको अनपोल्यूटेड रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।